का इलेक्शन में उम्मीदवार की दो लाइनों पर नतीजा रोक कर इलेक्शन कलदम करार दे दिया गया। सेनेट इलेक्शन में हमारी पिटिशंस को किसी खातिर में नहीं लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन कमीशन के हवाले से शिकवा। पार्टी तर्जमानों के इजलास में दावा किया कि चेयरमैन सेनेट को मुंतखब कराने के लिए भी ऑपोजिशन की तरफ से उनके अरकान को पेशकश की जा रही है। डस्का इलेक्शन में उम्मीदवारों की दो लाइनों पर नतीजा रोककर इलेक्शन कलदम करार दिया गया। सेनेट इलेक्शन में हमारे पिटिशन को किसी खातिर में नहीं लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन कमीशन के हवाले से शिकवा। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि चेयरमैन सेनेट को मुंतखब कराने के लिए भी ऑपोजिशन की तरफ से उनके अरकान को पेशकश की जा रही है। पता है किस सेनेटर को ऑफर आई है? सेनेट इलेक्शन में पैसा चलाया और इस्लामाबाद की सीट जीत गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गिलानी ने अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। केपी में भी पैसा चला। नाअहल शख्स पैसे के जोर पर सेनेट में आ गया, अब पैसे के जोर पर मुंतखब शख्स चेयरमैन सेनेट के ख्वाब देख रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी तर्जुमानों को हिदायत की कि करप्ट लोगों के पैसे के बलबूते पर इक्तदार में आने के बयानिए को बढ़ाया जाए, पीडीएम के खिलाफ मजीद फाल हों। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी पार्टी तर्जुमानों को टास्क सौंप दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों से कहा कि आवाम को आगाह करें कि महंगाई का खात्मा और आम आदमी की आसानी तरजीह है।